यूनियन टेरिटरीज ना पता हो लेकिन स्टेट्स तो पता ही होंगे देर आर ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड देर आर नाइन यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया सबसे पहली बात है कि यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं देखो नाइनटीन फोर्टी सेवन जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था उस वक्त उसके बाद कुछ आ, ऐसे आ, आउटर टेरिटरीज थी जो उस वक्त इंडिया का पार्ट नहीं थी जिनको बाद में जब शामिल किया गया तो उनको यूनियन टेरीटरी का नाम दिया गया ठीक है उनको एक स्टेट का नाम नहीं दिया गया स्टेट में शामिल नहीं किया गया वो सिर्फ यूटी बनकर ही रह गए पहली वजह तो ये दूसरी वजह ये है कि यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि उसको हम स्टेट में कन्वर्ट कर दें ठीक फॉर एग्ज़ाम्पल अंडमान एंड निकोबार पौंडीचेरी जिसको आज पुडुचेरी भी बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ये सारे जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हम इसको, इसको स्टेट में कन्वर्ट करें तीसरी कंडीशन ये है कुछ डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं जिनके प्रोटेक्शन के लिए हम उसको स्टेट में कन्वर्ट नहीं करते हैं कुछ सिचुएशन होती हैं कुछ कंडीशन होती हैं अगर वो फुलफिल होती हैं अगर लगता है ज़रूरत पड़ती है कि अब स्टेट में कन्वर्ट किया जाए तभी वो कन्वर्ट होती हैं स्टेट में अदरवाइज वो यूनियन टेरीटरीज ही रहती हैं और सवाल ये भी है कि यूनियन टेरीटरी को कंट्रोल कौन करता है तो यूनियन टेरीटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है समझ में आई बात क्या होती है यूनियन टेरिटरी और क्यों हम स्टेट में नहीं उनको कन्वर्ट करते हैं देखो अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है ना क्यों कन्वर्ट किया गया क्योंकि कुछ सिचुएशन थी जम्मू कश्मीर स्टेट था ना पहले उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और जब यूनियन टेरिटरी से स्टेट में आ जाता है तो सारी पार स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाती है और अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसको कौन कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ठीक है जैसे कौन कौन सी है सबसे पहले देखो सबसे ऊपर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर लद्दाख फिर नीचे थोड़ा सा आओ चंडीगढ़ देन फोर्थ वन इज़ न्यू डेली फिफ्थ वन इज़ इधर देखो कोस्टल साइड में दादर एंड नागर हवेली दमन दीव फिर और नीचे आओ लक्षदीप हाँ फिर वेस्ट साइड में आओ सॉरी ईस्ट में आओ पुडुचेरी और उसके बाद यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार तो ये टोटल कितनी है नाइन यूनियन टेरिटरीज़ हैं वैसे तो जो दिल्ली है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दिल्ली इज़ नाइदर अ यूनियन टेरिटरी नॉर नॉर स्टेट क्यों क्योंकि दिल्ली तो कैपिटल है ना लेकिन फिर भी हम यूनियन टेरेटरी में काउंट करते हैं दिल्ली को तो तुम वैसे ही याद करना ठीक पता होनी चाहिए कि यूनियन टेरेटरी क्या होती हैं और कितनी हैं कल को तुम्हारी कोई छोटी भाई बहन अगर पूछ दें और तुम नहीं बता पाए तो तुम्हारी तो वेजित ही हो जानी है है ना ये इसलिए सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कितने स्टेट्स हैं ट्वेंटी एट हैं कौन कौन से हैं ये सब तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे कलरफुल हम्म ये भी पता होने चाहिए चलो फिर आगे बढ़ते हैं ये क्या है क्या दिख रहा है यहाँ पे इंडिया का मैप दिख रहा है और कुछ ब्लू दिख रहा है कुछ येलो दिख रहा है ग्रीन दिख रहा है हम्म इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ सेवन कंट्रीज आज हमें नेबरिंग कंट्री भी देखना था इंडिया किस किस से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है और कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है लैंड बाउंड्री हमने तुम्हें बताया था जो भारत का हिस्सा जो किससे जुड़ा हो लैंड से जुड़ा हो आसपास जो भी नेबरिंग कंट्री हैं अगर वो लैंड से जुड़ी हुई हैं तो वो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज हो गई कौन कौन सी वैसे तो सेवन हैं और तुम्हें कुछ तो पता होंगी जैसे कि जो आजकल न्यूज में रहती हैं पाकिस्तान और चाइना नेपाल ये तीन तो पता होंगी इसके अलावा क्या है अफगानिस्तान है भूटान है बांग्लादेश है म्यांमार है ठीक तो ये सेवन क्या है लैंड बाउंड्री जिनसे इंडिया शेयर करता है इसके अलावा इसके अलावा दो हमारी क्या है कोस्टल बाउंड्रीज हैं कौन कौन सी श्रीलंका एंड लक्षद्वीप सॉरी लक्षद्वीप नहीं मालदीव श्रीलंका एंड मालदीव ये कोस्टल बाउंड्रीज हैं श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका किससे सेपरेट है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार देखो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है कन्याकुमारी है ना इंदिरा पॉइंट है सॉरी लेकिन अगर हम देखें तो बिल्कुल साउथ में साउथ में एकदम एक्सट्रीम साउथ में क्या पड़ता है कन्याकुमारी पड़ता है ऐसे देखो यहाँ पर ये कन्याकुमारी है एक तरफ और एक तरफ लिखा हुआ है श्रीलंका तो कन्याकुमारी और श्रीलंका का जो, जो सेपरेशन है वो गल्फ ऑफ मन्नार मतलब मन्नार की खाड़ी से सेपरेट होता है और इधर साइड जो पतली सी लाइन जा रही है इसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं जो श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करता है ठीक है और दूसरी हमारी है आ, कौन सी मालदीव्स तो ये दोनों क्या है ये कोस्टल लाइन शेयर करती हैं इंडिया से समझ गए तो ये लैंड बाउंड्री नहीं है तुमको जो अगर इंडिया की बाउंड्रीज नेबरिंग कंट्री पूछा जाएगा तो तुम वही सेवन बताओगे ये नहीं अगर कोई पूछता है ही कोस्टल बाउंड्री किससे शेयर करता है तो तुम बोल सकते हो मालदीव और श्रीलंका ठीक और श्रीलंका की कैपिटल क्या है माले है और श्रीलंका सॉरी मालदीव की कैपिटल माले है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है तो कैपिटल भी पता होनी चाहिए अपनी नेबरिंग कंट्री की पाकिस्तान की कैपिटल क्या है हुँ? नेपाल चाइना इन सब की कैपिटल पता रखो जनरल अवेयरनेस के टर्म में ये चीज़ें पता होनी चाहिए हम्म तो आ, ये सारी चीज़ें देख ली चैप्टर फिनिश हो गया चलो फिर अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ज़्यादा नहीं है थोड़े से ही हैं थोड़े से मतलब तीन ही हैं चलो तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद कहने का मतलब है कि ये जो पांच स्टेट्स दिए हुए हैं उत्तराखंड यूपी बिहार वेस्ट बंगाल सिक्किम ये किससे किस नेबरिंग कंट्री से कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं देखो म्यांमार तो कर नहीं सकता क्योंकि म्यांमार तो बिल्कुल ईस्ट साइड में है वहां से उत्तर प्रदेश तो टच हो नहीं सकता चाइना से चलो मैप में ही देख लो वापस से हम्म चाइना से उत्तर प्रदेश टच नहीं होगा उत्तराखंड तो टच हो रहा है बाकी चीजें टच हो रही हैं लेकिन यूपी टच नहीं हो रहा चाइना से हो रहा है कहीं से नहीं हो रहा ठीक है तो चाइना भी नहीं है म्यांमार भी नहीं है भूटान भी नहीं है क्योंकि भूटान से उत्तर प्रदेश का बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा बचा कौन सा नेपाल इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल इन पांचों स्टेटों से जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कौन है वो कौन सी कंट्री है नेपाल उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है इफ यू इंटेंड टू विजिट कावृति ड्यूरिंग द समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू अगर तुम्हें समर वेकेशन में कावृती जाना है तो तुम्हें किस आइलैंड में जाना पड़ेगा या फिर किस यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा तो पता होना चाहिए कि कावृति है क्या हम्म पहली बार शायद नाम ही सुन रहे हो तुम लोग कावृति क्या है कहाँ है तभी तो पता चलेगा किस यूनियन टेरिटरी में जाना है तो कावृती लक्षद्वीप की कैपिटल है और लक्षद्वीप क्या है आइलैंड भी है और यूनियन टेरिटरी भी है तो कावृती जाने के लिए हमें सब कहाँ जाना पड़ेगा किस यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा और जो कहाँ पर पड़ती है इंडिया के साउथ वेस्ट एरिया में पड़ती है मालदीव के ऊपर अभी बताया था थर्ड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट कोस्ट लैंड बाउंड्री नहीं कोस्ट की बात की जा रही है ठीक है जहाँ पे पानी है तो इंडिया का जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे कितनी यूनियन टेरिटरी है फिर से मैप में चेक कर लो वैसे तो पाँच हैं फिर भी तुम्हें देख लो तो ज़्यादा याद रहेगा ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट देखो यहाँ पे uh, ये क्या है ये वेस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे क्या दादर नागर हवेली दमन एंड दीव दो हो गई और नीचे ये लक्षद्वीप कितनी हो गई तीन फिर इधर वेस्ट सॉरी uh, ईस्ट में कौन कौन सी अंडमान एंड निकोबार और पुडुचेरी दो हो गई मतलब टोटल कितनी पांच तो सवाल का जवाब मिल गया कितनी यूनियन टेरिटरी है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में फाइव देर आर फाइव यूनियन टेरेटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं तुम्हारे इस चैप्टर से ओवरऑल ये चैप्टर बहुत ईजी था हाँ और फिर और अगर इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट वगैरह हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना और पी के लिए मैंने कई बार कहा है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो स्काई ट्रैपर ऑफिशियल के नाम से और तुम चाहो तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो सेम स्काई ट्रैपर ऑफिशियल ओके एंड टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय